वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम वापस आ चुके हैं न्यू गेम प्ले के साथ। वाइज आज हम फ्री फायर नहीं माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। और चलो वाइज माइनक्राफ्ट स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से स्टार्ट हो जाए ना। तो वाइज आपको पता होगा क्योंकि सर्वाइवल सीरीज मैंने काफ़ी दिनों पहले डाली थी और आपका मतलब बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने तो सोचा मैं बोलूँगा अच्छा रिस्पॉन्स आया, बिल्कुल। उस चैनल में दो एपिसोड डाल चुके हैं और फिर नए व्यू आराम से उस पर 200-300 तो आज से बारह और मतलब उतने तक 10-20 व्यूज तो होने चाहिए थे ना, एक वीडियो में तो होने चाहिए थे। मेरे ब्लैक किलर 444 में तो बहुत सारे हैं। तो वैसा भी लोड ही होगा पहले मेरा गेम। किंगली कॉर्न आ गया, ऐसी हल्की हल्की मेरी स्किन भी आ जाएगी थोड़ा थोड़ा करके, जल्दी से स्किन भी आ जाए, स्किन आ जाए जल्दी से। छोड़ो जब तक स्किन आती है या फिर मैं वीडियो के बीच में आके। तो वैसे मैंने पता ही इस सर्वाइवल सीरीज में दो विलेजरों को अपनी जगह पर लाया, लेकिन एक को तो मैंने फार्मर की जॉब दे दी, दूसरे को मैं क्या जॉब दूँ यार, समझ नहीं आ रहा। फार्मर के पास मैंने ना सीड दिए ना कुछ, फिर भी एक फार्मर चाहिए था। मेरे को फ्रंट मिल जाए तो मैं फ्लैचिंग टेबल बना दूँ और एक को फ्लैगर बना दूँ लकड़ी के बदले, लकड़ी के बदले लकड़हारा। और फ्लैचिंग टेबल मैं ऑफलाइन में बनाऊँगा क्योंकि मेरे को मतलब ऑनलाइन में थोड़ा ऐसा अजीब सा लगता है, ऑफलाइन में काफ़ी मतलब कम्फर्टेबल टाइप का होता है। मैं 3rd person में बैठा हुआ, अभी टीवी दिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी लोड नहीं हुआ हूँ। तो वैसे चलो मैं अभी मिलता हूँ आपको अपने ही व्यू में। वैसे मैं अपने व्यू में आ चुका हूँ। एक तो ये नल्ला भी ले जा, कुछ काम नहीं करता। तो इस इनको लाते लाते ना मेरी यहाँ खोपड़ी ख़राब हो गई थी। इनको लाते लाते बोट में चढ़ाओ, कुछ करो। आधा घंटा तो इनको ही लाने पर लग गया था मुझे। और ये तो फार्मर है, चलो ये कुछ काम तो करता है। कुछ ट्रेड कैसी बढ़िया भाई तेरी। पोटैटो के बहुत महंगा यार इसके पास सामान, अभी औकात नहीं है इतने की, तो निकलते हैं। बस मैंने कहा था 3rd episode में घर बनाऊंगा और इस एपिसोड में शायद वो ही कर लूँ। सबसे पहले जो फालतू की चीज़ें उन्हें मैं पढ़ देता हूँ। यहीं कुछ कुछ चीज़ें काम की भी हैं, लेकिन फिर भी जो अभी काम बकेट आएगी शायद पानी के लिए। वीट वगैरह रख देते हैं, सीट वगैरह, वुड की ज़रूरत पड़ने वाली है, डोर की भी ज़रूरत पड़ने वाली। मेरे पास वुड भी तो बहुत कम ही है, 15 इतने में क्या होगा, कोई नहीं। और दो स्टेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं इधर रख देते हैं जल्दी से। ये कचड़ा क्यों पड़ रहा है, एक हथियार तो चाहिए अगर ज़ॉम्बी वगैरह आएंगे उड़ाने के लिए। और पहले इसे भाई डर्ट तो जाना, चल तो मेरी इन्वेंटरी में रह, कहीं कुछ काम आ जाएगा इस चीज़ का। तो वैस चलो घर बनाना मेरे को नहीं आता वैसे, फिर भी इन विलेजर के लिए भी उस पर एक छोटा सा कमरा बना देंगे। लोगों ने ऐसे बाहर तो नहीं सोना पड़ेगा, मैं भी खुद बाहर ही सोता हूँ, अलग बात है। बस छोटा सा बनाऊंगा मैं अभी के लिए, अभी यार इतना मैं इम्प्रूव नहीं हुआ हूँ। इतना साइज बहुत है यार। कोई नहीं बड़ा बनाते हैं यार। मेरे पास वुड भी है बहुत, पेड़ है मेरे पास, मैं पेड़ उगाता हूँ। पेड़ उगाने में बहुत टाइम लगता है, काटने में तो सिर्फ 2 सेकंड लगता है बस। रुका इसमें थोड़ा वो लेके आता हूँ कुल्हाड़ी। मैं तो यहाँ क्या कर रहा, अपना फार्मर का काम करना। कुल्हाड़ी का है, कुल्हाड़ी आई नहीं मेरे पास बेटा। ऐसी तो हम आगे बढ़ेंगे। स्टिक तो ले रखी है, चलो जल्दी से कुल्हाड़ी बनाते हैं। कुल्हाड़ी पहले, मेरे पास स्पून कम है,
पहले जितने अभी चलता है इस साइड थोड़ी छोटी बननी चाहिए बस। ये बहुत काफ़ी ठीक ठाक बनाता हूँ मैं, चाहे वीडियो लंबी बन जाए लेकिन घर को सही होना चाहिए। वो डर भी लग रहा है, घर कहीं बीच में रुक गया, मेरे को मैं आलसी मिला, मेरे को मन नहीं कर रहा काम करने का इतना कुछ। एक वुड में क्या होगा, एक यहाँ पे लग जाए वो बहुत बड़ी बात है। चलो गाइस, थोड़ा जब पेड़ उगाए हैं तो आप इसे काटना भी तो पड़ेगा। कल तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाऊंगा। गलत जगह में लगा दिया भाई मैंने, ये मतलब कि मेरी वुड वेस्ट हो गई, लेकिन मैं तोड़ दूंगा उसे। ज़ॉम्बी वगैरह ना जाएंगे। इन दोनों विलेजर्स के लिए मैंने बेड दे रखा है, लेकिन ये नल्ले पे मेरे को गुस्सा आता है, सोता ही नहीं है ये मर ना जाएगा। ये देखो वो तो बेचारा प्यार से जाके सो गया, और ये कहाँ गया वो? जब तक इसे कुछ जॉब ना मिली ना, इसे मैं फार्मर की जॉब दे दूँ क्या मेरे खेत में? तो चलो गाइस, एक नीचे से कंपोस्टर लेके आते हैं, ऐसे भी विलेजर के उठाते हैं ना, सब विलेजर तो सो। ए माँ ऊपर जा, मम्मी पापा, ए भगवान ये नहीं आनी चाहिए। ये बड़ा खराब बंदा है, इसका मैं सिर फोड़ूंगा। कंपोस्टर लेने आया था, मेरा कंपोस्टर बनने वाला था। बस आजकल मेरे को ना इस विलेज में जब भी मैं आता हूँ दिखता ही नहीं है कोई विलेजर, गए कहाँ गए सब? एक ही विलेजर दिखा मेरे को, वो भी ज़ॉम्बी विलेजर बना हुआ बैंक। अभी तो मैं सोने निकल रहा हूँ, सुबह करेंगे बाकी का काम। दरवाज़ा तो वैसे मैंने इसलिए लगाया ना, एक तो ऊपर जाने के लिए, और सीढ़ी पे आपको कई बार पता होगा मतलब बंदूक साथी सिचुएशन होती है, वो नीचे उतरते हैं और वहीं पे ज़ॉम्बी खड़े आ जाए बेटा, वो वाला सीन होता है। तब मैंने वो लगाया था कि ज़ॉम्बी वहाँ पे रहे ना, हो भी तो गेट के बाहर। मैंने बंद क्यों नहीं किया, वैसे मैंने फालतू की सिक्योरिटी के लिए लगा रखा है। यहाँ से तो कोई बंदा आ भी सकता है, मतलब कोई ज़ॉम्बी। चलो यहाँ भी ट्रैप डोर लगा देते हैं, अपने घर को ना फुल प्रोटेक्शन रखते। मैं पहले सोच रहा था इस विलेज से चलते हैं, इस विलेज पे चलते बनो, मैं सोच रहा ठीक ठाक विलेज है ना, क्यों जाना है? जब विलेज है ठीक ठाक तो जाना क्यों नहीं। मेरे पास 16 ट्रैप डोर है, ये मैंने खुद क्रिएट नहीं किया, पहले से मेरे को यहाँ मिल गए थे पड़े हुए, मैंने वो उठा लिए। आपने क्या सोचा मैंने खुद बनाया? नहीं, मैं गरीब हूँ यार, ये विल्ला वाला पिटेगा मेरा हाथ में। इसलिए कंपोस्टर लाया हूँ मैं, बड़े को काम देता हूँ अभी, रुको। ट्रैप डोर जब है ही तो फालतू भी लगा देते हैं, काम है ट्रैप डोर का कुछ नहीं है। देखो आज हमारा फार्मर हमारा काम देखने आया, चलिए भी उस घर पे बनाऊंगा मैं छोटा सा जगह, और उस गधे को भी कुछ काम देता हूँ, उसके लिए भी बनाऊंगा, तो वो गधा नहीं रह जाएगा, वो फार्मर कहलाएगा। ए भगवान, मैं क्राउ चुप लगा रहा, लेकिन ये गलत ही लग जा रहा है, हट गया।
पहले अपना ट्रैप डोर लेके आ रहा हूँ। चल मिल गया, तो भी बंद हो तो यहाँ से कोई आ ना सके ना। मेरी बकेट का अपने बहन को मैंने बकेट वहीं फेंक दी, पागल हूँ यहाँ मैं, बकेट में उधर ही फेंक के आ गया। बिन मतलब का पानी भरा हुआ है, यहीं से उठा यहाँ अनलिमिटेड वाटर सोर्स है। मेरे को जब पानी की जरूरत होती है मैं यहाँ आ जाता हूँ पानी लेने, बस पानी मिल गया। यहाँ से चलेगा आप सीधा पानी, ओए ओए बगल ट्रैप डोर खुला हुआ है, छोड़ो ना जहाँ भी जा रहा। अब ये तो डर नहीं है कि ज़ॉम्बी आ जाए, ज़ॉम्बी तो नीचे तो नहीं, लेकिन फिर भी आ नहीं पाएगा पानी के फ्लो से, यहीं भटक जाएगा, अटकेगा तो कुछ और सीन भी हो सकता है। पहले मैं इस रोड कटारे रोड में प्लस करता हूँ इस ज़ॉम्बी का, पता नहीं कहाँ से मेरा चिपक जा रहा। निकल वापस, अब घुमा फिरा कर ना मैं कहीं रोटन फ्लस, अब मत आ तो गया ना, अब आ गया बस। नीचे ट्रेडर घूम रहा है, अरे नल्ले इधर आ, इस नल्ले को भी जॉब ले ले, बस नल्ले तेरे लिए जॉब है नल्ले आदमी। वैसे अब मेरे को एक चीज़ बताना कि एक विलेजर सिर्फ एक ही जॉब लेता है क्या? मैं इसके एक बार सामने रख के देखता हूँ, खेत एक ही है शायद इसलिए नहीं ले रहा है जॉब। छोड़ो कोई नहीं, बस मैं आपको मिलता हूँ इस स्ट्रक्चर बनाने के बाद। तो वैसे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया, और मैंने इसे गलती से स्ट्रिक कर दिया था, इसे काट के नहीं लगाता हूँ। लुक खराब लगेगी, मेरे को थोड़ा डार्क थीम भी चाहिए ना साथ में, तो मैं स्टोन को कम यूज़ करूँगा क्योंकि वुड मेरे पास अब बहुत बच गई है। मैं प्लैंक्स आराम से काफ़ी बना सकता हूँ, तो आज जल्दी से पिकैक्स लेते हैं। एक तो पहले मेरे पास स्टोन नहीं है यार, अलग पिकैक्स बनानी पड़ती थी। एक दो ओके, तीन, एक दो तीन, मुझे यहाँ पे लगाना है, मेरे ठीक ऊपर लगाना था मुझे, फिर से तोड़ देते हैं सेंटर में। स्टोन मेरे पास ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं ये कम लगा रहा हूँ। यहाँ पे ओक प्लैंक्स, ओक नहीं स्प्रूस प्लैंक्स लग जाएंगे, एक दो तीन, ये बाहर से देखते हो ना आउटलाइन दिख रही, तीन चार पाँच छ सात आठ, तब इस बहुत कैलकुलेशन करने के बाद मैंने सोचा यहाँ पे लगाऊंगा। दिख रहा है क्या सेंटर? इस तरफ को ज़्यादा दिख रहा है ना, कोई नहीं समझ गया समझ गया। कम स्टोन लेकिन फिर भी गुप्पा तरह अपनाना पड़ेगा। और गाइस आप सोचते रहोगे वो वाला विलेजर कहाँ गया, बेचारा मेरा हाथों गया, बहुत परेशान कर रहा था यार। एक तो काम के बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहा था, पहले सो जाते हैं। एक तो मैं बताता हूँ आपको,
ये तो काम के बीच में डिस्टर्ब कर रहा था मेरे को, और ऊपर से जब और जब मैं उसे मतलब कंपोस्टर मैंने उसे दिया था, काम कर सकता था शायद वो, मेरे को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, हर ले सकता था, लेकिन उसने लिया भी नहीं, बे मतलब का बैठा। मैंने बोला अब बैठने के लायक ही नहीं रहेगा। हाँ यार गुस्सा आ गया मेरे को भी, मैंने भी उड़ा दिया। और कहाँ पे लगा था वो, ऐशा 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 यहाँ पर लग गया, यहाँ और अभी से भी करते हैं गाइस, एक दो तीन चार छः सात आठ नौ, बाहर की साइड लगा दिया था मैंने। हाँ दूसरी भी यहाँ लगा देते हैं, तो ये आप देख रहे हैं ये बीच में क्रॉस आ रहा है, मेरे को उसके साथ अभी खेलने नहीं आता, इसलिए थोड़ा मेरे को सीखना पड़ेगा इसके साथ खेलने में। पहले तो मैं पीछे वाला एरिया पूरा कवर कर लेता हूँ वुड से, पहले क्राफ्टिंग टेबल में बहुत सारी वुडन प्लैंक्स बना लेता हूँ, 15 से तो बिल्कुल नहीं होगा। ओ भाई 80 बन जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है, तब मेरी छत भी वुड से ही बन जाएगी, बहुत बढ़िया बात। बस चलो ये मैंने अपना पेड़ काटा था और ये चीज़ें निकली है, मैं वापस उगा देता हूँ। एक दो तीन, मैंने कई यूट्यूबर्स का देखा ना गाइस कि इससे उनका मतलब बहुत बड़ा पेड़ उग जाता है, चार चीज लगभग चार पेड़ों जितना। बस बिल्डिंग ना मतलब पीसी वाला जैसा होता है, ये मैंने पीसी वाला मोबाइल पे सेट कर रखा है। अगर आपको ये देखना है मतलब कैसे करते हैं, तो आप सी ए गेमिंग सर्च मार सकते हैं यूट्यूब में, ये मेरा चैनल तो नहीं है, एक बंदा मैंने भी उसकी वीडियो देख के किया है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया उसने कैसे करना है, उसी की वीडियो से मैंने ये किया है। तो ऐसे लो सी ए गेमिंग आप सर्च कर सकते हो माइनक्राफ्ट में अगर आपको लगाना है तो। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इन्वेंट्री ऐसे पीसी जैसी और ये कैसे कर सकते हो, ये जो है बीच में क्रॉस जैसा, आपको यहाँ पे आना है सेटिंग्स में जाके, यहाँ कहाँ था वो, जहाँ भी आपको मिले फ्रेंडली फायर तो नहीं, ये अगर आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, जैसे मेरे कोऑर्डिनेट्स शो नहीं हो रहे हैं, मैं अपने कोऑर्डिनेट्स शो कर सकता हूँ, ये आपको शो कोऑर्डिनेट्स का दिख रहा है, इसको आपको ऑन कर देना है, शायद अब दिख रहे हैं। ये देखो गाइस मेरी कोऑर्डिनेट्स दिखने लगे हैं, पोजीशन वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं। और गाइस ये देखो रुको हैं, वो वाला ऑप्शन मेरे को एक बार मिल जाए बस तो मैं आपको बता दूंगा। आ गया होगा, इन्वेंटरी वाई टू एक्सेस तो नहीं था, कंट्रोलर में नहीं, टच में भी नहीं। तो हाँ गाइस ये आपको स्प्लिट कंट्रोल दिख रहा है, ये आपका ऑफ होगा तो देखो आपका ये क्रॉस वगैरह हट जाएगा। आपको सेटिंग्स में जाना है, ये टच वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आके स्प्लिट कंट्रोल होगा, इसे ऑन कर देना है तो आपका ये दिखने लगेगा। ओके अगर ये देखो जैसे मेरी एक बगल में डॉल टाइप की आ रही है ना, इसे कहता है पेपर डॉल, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करते हैं। आपको सेटिंग में आके वीडियो वाला ऑप्शन में आना है, और वहाँ में आके ये हाइड पेपर डॉल होगी, ये देखो अगर ऑन होगा नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है कुछ भी करो। आप सेटिंग्स में जाके इस वीडियो वाले ऑप्शन में जाके हाइड पेपर डॉल को ऑफ कर देंगे तो आपका ये दिखने लगेगा, एक बगल में डॉल आ जाएगी आपकी। लेकिन अभी मेरी स्किन डाउनलोड नहीं हुई थी इसलिए मैं लेके नहीं आया, नहीं तो मैं लेके आ जाता।
मेरे को इस तरफ का व्यू कुछ पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे कवर कर देता हूँ। ग्लास क्योंकि मेरे पास है नहीं, मतलब ये कवर कवर हाउस लगेगा आपको, ये समझ लो। बहुत मुश्किल है यार, बिल्डिंग कुछ लोगों के लिए आसान होती है, किसी के लिए मुश्किल होती है। जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बनाने में हालत ख़राब हो गई मेरी, खासकर अगर कोई डिज़ाइन में बनाना बोलता ना, मैं वहीं पर गया था। तो वैसे आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, छोड़ो बैकग्राउंड नॉइज़, आप मत सुना करो। मैंने फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम की थी, लेकिन उस पर बढ़िया मेरा नेटवर्क चले गया था बहुत गंदा, मेरी लाइव स्ट्रीम भी पूरी नहीं हुई थी। तो अभी मेरे पास मतलब वो तो नहीं है, यहाँ पर डोर लगेगा, ऐसे कर दो, डबल डोर लगाते हैं इन दोनों वुड, इन दोनों स्टोन को तोड़ के। Yeah.